यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाने या दंगा कराने वाले लोगों को जलाकर मार देना चाहिए। जब दंगा कराने वाले लोग अगर दंगा कराने जाएं, जिसको आपस में लड़ाने जाते हैं, ऐसे नेताओं को तो वहीं जला देना चाहिए कि तुम हमको क्यों मार रहे हो, तुम पहले खुद इसी में जल के मरो दंगे में। हम भी अगर दंगा कराने के लिए जाएं तो हमको भी जला के मारो। अरे जो दंगा कराने वाले कौन लोग हैं, जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराते हैं, जो हिंदू मुसलमान में भड़काते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में सड़क पर एक लड़की ने एक लड़के की पिटाई कर दी। आरोप है कि लड़का पिछले काफी वक्त से लड़की का पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था, जिसके बाद लड़की ने मनचले लड़के को बीच बाजार पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। हंगामा देख वहां एक पुलिस वाला भी पहुंच गया, जिससे वो लड़की लड़के की शिकायत करने लगी। अंकल इसको मैं आज इसको अभी भी माफ करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और छेड़छाड़ के आरोपी लड़के को घेर लिया, जबकि वहां मौजूद एक आदमी ने लड़के को 2-3 थप्पड़ मार दिए। वही सड़क पर खड़ी लड़की लड़के पर उसका पीछा करने और परेशान करने का आरोप लगाती रही और पुलिस वालों से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहती रही। जबकि लड़का हाथ जोड़कर और कान पकड़कर लड़की से माफी मांगता रहा और दोबारा उसका पीछा और परेशान ना करने का दावा करता रहा। कुछ देर बाद पुलिस वाला लड़के को अपनी बाइक पर बिठाकर थाने ले गया। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में शराब सस्ती करने की एक योजना तैयार की है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के तहत केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में शराब को GST के दायरे में लाने की सिफारिश को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए सिफारिश 5वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में की गई थी, जिसे विधानसभा में भी पेश किया जा चुका है। इस सिफारिश के लागू होने के बाद दिल्ली में शराब और बियर की कीमतों में बड़ी गिरावट आ सकती है। फिलहाल दिल्ली सरकार शराब पर 20% वैट वसूल करती है, लेकिन अगर GST के दायरे में लाया गया तो शराब को GST के 12% 18% के स्लैब में रखा जा सकता है। GST काउंसिल देश भर में शराब को GST के दायरे में लाने की कोशिश में है, लेकिन अब भी कई राज्य इस पर सहमत नहीं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी की वजह से पूरी केदार घाटी में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। केदारनाथ धाम में ताजा बर्फबारी हुई है। आलम यह है कि लोगों के घरों की छतों पर मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है, जिससे मौसम में सर्दी और बढ़ गई है। शिमला में हो रही बर्फबारी के बाद सड़कों पर ट्रैफिक देखा जा रहा है। शिमला मशोबरा मार्ग पर भारी बर्फबारी के बाद सैकड़ों ट्रैफिक सड़कों पर वहां ट्रैफिक जाम हो गया। बाहर से आने वाले सैलानियों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। सुखी, टॉप, झाला, हर्षिल, मुखबा, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत सभी पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई है। वहीं वहां पर पहुंचे पर्यटक भी जमकर इस बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। हम कोलकाता से आए हैं, बर्फ़ देखने आए हैं और जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिला। बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया आज हम लोगों ने, तो उत्तराखंड बहुत ही स्पेशल जगह है। पहली बार बर्फ़ देखने प्लान था कि उत्तराखंड ही आएंगे और हर्षिल में बहुत बहुत इन्जॉय किया है। इट वॉज लवली, अमेजिंग व्यू। उत्तराखंड के चमोली में भी बर्फबारी की वजह से सड़कें जाम हो गई। सड़कों पर मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है, जिससे सड़क पर ट्रैफिक की आवाजाही रुक गई। चमोली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बर्फबारी के चलते सड़क पर जाम लगा हुआ है, क्योंकि बर्फ की वजह से गाड़ियां चल नहीं पा रही हैं और लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको चमोली की दिखा रहे हैं, जहां पर बर्फबारी का एक तरफ सैलानी मजा ले रहे हैं तो दूसरी तरफ ये बर्फबारी मुसीबत का सबब बन रही है।
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी ताजा बर्फबारी हुई है। सबसे ज्यादा बर्फबारी किन्नौर के कालपा में हुई। बर्फबारी की वजह से जहां सैलानियों की बांछें खिल गई हैं, वहीं स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किन्नौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरा का पूरा किन्नौर इस वक्त सफेद चादर में ढका हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप एक पल को भूल जाएं कि ये किन्नौर है, तो पूरे किन्नौर की झलक स्विट्जरलैंड जैसी नजर आ रही है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और गाड़ियां पूरी तरह से बर्फ में छुप गई हैं। और सैलानी एक तरफ इस बर्फबारी का मजा ले रहे हैं, तो वहीं जो किन्नौर के स्थानीय निवासी हैं, उनके लिए ये बर्फबारी मुश्किल का सबब बनकर आई है। और पर्यटक जो यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते कारोबारी खुश नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक बार फिर ताजा बर्फबारी हुई है। चंबा में साल की दूसरी बार ये बर्फबारी हुई है। चंबा, पांगी, चूरा, भरमौर सभी जगह पर पहाड़ियां सफेद चादर से ढकी हुई नजर आई। पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम काफी सर्द हो गया है। चंबा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बेहद ही खूबसूरत नजारा इस वक्त दिखाई दे रहा है। जहां पूरा का पूरा चंबा सफेद चादर से ढका हुआ है, आसमान में बादल उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पहाड़ियां पूरी तरह से सफेद रंग में ढकी हुई नजर आ रही हैं। आप जहां नजरें डालें, वहां पर आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी, जिसके चलते ये चंबा और भी खूबसूरत हो गया है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे पर भीषण बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रोहतांग दर्रे पर 5 फीट से ज्यादा और केलांग में 2 फीट ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे कुल्लू और लाहौल स्पीति में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सोलंग नाला, मढ़ी और गुलाबा में 2 फीट की ताजा बर्फबारी हुई है। सरकारी बसों के पहिए इस बर्फबारी के चलते थम गए हैं, जबकि मनाली में माल रोड पर 1 फीट तक बर्फबारी में लोग उसका मजा ले रहे हैं। मौसम तो बहुत प्यारा हो चुका है, अभी आज भी बादल से है, साफ ही है मौसम। बीती रात में काफ़ी मतलब जगह पे स्नोफॉल बहुत प्यारा सा हो गया है। अब शायद ठंड थोड़ी नॉर्मल सी हो जाएगी, दिन को धूप हो जाएगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, धूप ही खिली हुई है और जो पहाड़ियों में जो बर्फ है वो अच्छी है और धूप की वजह से चमक रही है और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे ठंड का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। चीन और पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी को मजबूत करने के लिए सरकार कई सड़कें बनाने की तैयारी में है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार चीन और पाकिस्तान की सीमा पर 44 नई सड़कें बनाने की तैयारी कर रही है, जिनकी कुल लंबाई लगभग 2100 किलोमीटर होगी। रिपोर्ट के मुताबिक रणनीतिक लिहाज से ये सड़कें बेहद ही अहम साबित हो सकती हैं, क्योंकि जंग होने की हालत में सेना को इन सड़कों के जरिए जल्द से जल्द सीमा तक पहुंचना मुमकिन हो पाएगा। चीन और पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों में इन सड़कों को बनाया जाएगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नई सड़कें बनाने की इस योजना पर लगभग 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।